इस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH31 नवगछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। हर तरह की सुविधाओं के साथ नवगछिया का एक सर्वोत्तम विद्यालय। नमस्कार, सुप्रभात। आइए करते हैं सुबह की शुरुआत नवगछिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। नवगछिया स्टेशन रोड में किराना दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। दुकान में रखे 1.5 लाख नकदी, लाखों का सामान सहित CCTV कैमरे का बॉक्स भी साथ ले गए चोर। नवगछिया स्टेशन रोड की किराना दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने दुकान के नकदी सामान की चोरी की है। चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे के बॉक्स को भी अपने साथ चोरी किया है। चोरी की घटना के संदर्भ में दुकान के मालिक नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा निवासी विजय मंडल ने नवगछिया थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध आवेदन दिया है। दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वह संध्या 6 बजे अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए। शनिवार की सुबह उनके दुकान के पड़ोसी दुकानदार को फोन करके बताया कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर दुकान आए तो मेरे दुकान का ताला टूटा हुआ था। दुकान के अंदर जाकर देखा गया तो दुकान के सामान बिखरे हुए थे। दुकान से भारी मात्रा में सामान व दुकान में रखे नकदी रुपये गायब थे। चोरी के दौरान दुकान में लगे CCTV कैमरे को भी चोर लेकर गए हैं। उन्होंने दिए गए आवेदन में बताया कि दुकान में रखे 1.5 लाख नकद सहित लाखों रुपये के किराना सामानों की चोरी हुई है। वहीं दुकान में चोरी के संदर्भ में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। नवगछिया SDPO प्रवेंद्र भारती ने कहा कि चोरी की घटना को लेकर रात में पैदल पुलिस गश्ती बढ़ाने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया है। चोरों की गिरफ्तारी करने को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नवगछिया के लतरा में लॉकडाउन के बीच घर में घुसकर युवक को गोलियों से भूना, गांव में मची सनसनी। पुलिस जिला नवगछिया में लॉकडाउन के बीच ही लगातार तीसरी मर्डर की घटना हुई है। बेखौफ अपराधियों ने शनिवार को एक बार फिर नवगछिया में जमकर तांडव मचाया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गाँव में अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून डाला। मृतक की पहचान राजधर यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजधर यादव जिले के अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। अपराधियों ने घर में घुसकर उसे गोलियों से भून डाला है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया SDPO घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बताते चलें कि लॉकडाउन के बीच नवगछिया में मर्डर की यह तीसरी घटना है। 3 दिन पहले जहां एक युवक को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं शुक्रवार को अपराधियों ने एक 50 वर्षीय अधेड़ को पहले लाठी से पीट कर अधमरा किया, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। राजधर यादव सुबह करीब 6 बजे गायों को चारा दे रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 5 की संख्या में आए अपराधियों ने राजधर यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली उसके सिर के सहित शरीर के अन्य हिस्सों में लगी थी, जिसमें से 2 गोली शरीर के आर पार निकल गई। हत्या के लिए अपराधियों ने जिस हथियार को चुना था वह पिस्टल थी, जिसमें 9mm की गोली लगी थी। वह कट्टे का प्रयोग भी किया गया था, जिसमें 315 की गोली थी। पुलिस को मौके पर दोनों ही गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। अपराधी राजधर पर इस कदर गोली चला रहे थे कि मौके पर पुलिस को एक 9mm की जिंदा गोली भी बरामद हुई है। राजधर यादव पर गोली चलाने के बाद वह बगल के बने कमरे में भागकर छुपने की कोशिश कर रहा था, मगर अपराधियों ने उस कमरे के दरवाजे को भी तोड़कर उस पर गोलियां बरसाना शुरू किया। पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही कर दिया था सतर्क, जिसमें एक था राजधर। पुलिस सूत्रों के अनुसार नवगछिया के 3 लोगों को पुलिस ने सतर्क रहने का निर्देश दिया था, जिसमें राजधर यादव भी शामिल था। राजधर यादव के साथ साथ दो अन्य को पुलिस ने सुरक्षित रहने को कहा था। पुलिसिया तंत्र को यह पता था कि इन तीनों में किसी एक पर अपराधी हाथ साफ कर सकते हैं। किसी ने यह नहीं सोचा था कि अपराधी घटना को घर में घुसकर अंजाम दिया जा सकता है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने लगातार फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुए। लतरा में चलते आ रहा है हत्याओं का दौर।
लतरा में गोलियों की आवाज आए दिन सुनने को मिल जाती है। इसी कड़ी में आज राजधर यादव की हत्या अपराधियों ने कर दी। राजधर यादव का भाई था, वर्ष 2003 में उसके भाई बेचन यादव की हत्या भी गोली मारकर की गई थी। इससे पूर्व प्रमुख डब्लू यादव की हत्या की गई, इसके बाद पुरुषोत्तम यादव उर्फ छोटू के भाई प्रवीण यादव की भी हत्या हुई। हत्या में दो पहलुओं पर की जा सकती है जांच। राजधर यादव हत्या के बाद पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या के बाद कई बिंदुओं पर सवाल उठ रहा है जिसमें आपसी रंजिश सामने आ रहा है। एक तरफ देखें तो हत्या का आरोपी पुरुषोत्तम यादव उर्फ छोटू को बताया जा रहा है। नवगछिया में अपराधी फिर हैं सक्रिय, पुलिस जिला में एक सप्ताह में 3 हत्या पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। लॉकडाउन की स्थिति में भी लगातार 3 हत्या से नवगछिया दहल गया है। पहली हत्या राजेंद्र कॉलोनी में गुलशन कुमार उर्फ गुड्डू की, वहीं दूसरी हत्या इस्माइलपुर में अजय मंडल और तीसरी हत्या गोपालपुर के लदरा में राजधर यादव की। गोपालपुर थाना प्रभारी ने कहा है कि मौके पर खोखा बरामद किया गया है, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के कारणों का पता नहीं चला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177। 9934855177। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नवगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। आवासीय आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की पढ़ाई CBSE पैटर्न, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा की अलग से व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ है। लगातार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर अनुमंडल में भव्य झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। संपर्क सूत्र 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093047433, 7368 9147433। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार लॉकडाउन का नहीं हो रहा है सख्ती से पालन, आम दिनों की तरह ही बाजार में उमड़ रही है भीड़। नवगछिया स्टेशन रोड पर बरकरार है सब्जी मंडी। नवगछिया में लॉकडाउन का पालन नहीं के बराबर हो रहा है। सुबह होते ही बाजार में आम दिनों से भी अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था है। दूसरी तरफ नवगछिया स्टेशन रोड से सब्जी मंडी को नवगछिया हाई स्कूल और राजेंद्र कॉलोनी के मैदान में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद नवगछिया स्टेशन रोड में सब्जी मंडी शनिवार को भी गुलजार रही। नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने शहर में यह सूचना सार्वजनिक कराया कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ स्टेशन रोड पर शनिवार को भी सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को भी सूचना दी गई कि वे निर्धारित जगहों पर सब्जी बेचें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया बाजार के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं तो कोरोना की लड़ाई में आसानी से हार जाएंगे। नवगछिया के व्यवसायी से समाज सेवी अशोक केडिया, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के धर्मेंद्र गुप्ता ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। मदन अहिल्या कॉलेज को बनाया गया आइसोलेशन स्पॉट।
नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय को नवगछिया प्रशासन ने आइसोलेशन स्पॉट बनाया है। नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में अब तक 5 बेड की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर मदन अहिल्या में 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें खाने पीने के अलावा सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वीडियो ने बताया कि यह नवगछिया अनुमंडल स्तर का आइसोलेशन होगा। दिल्ली से आए 14 लोगों को किया गया है चिन्हित। नवगछिया के 16 लोगों की पहचान कोविड-19 के संदिग्ध रोगी के रूप में की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल सूची में शामिल लोग नवगछिया में नहीं हैं, उनके गांव पर सख्त नजर रखी जा रही है। मध्य विद्यालय खगड़ा में भी बनेगा क्वारंटाइन सेंटर। नवगछिया प्रखंड के मध्य विद्यालय खगड़ा को क्वारंटाइन सेंटर बनाने की प्रक्रिया का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच में क्वारंटाइन सेंटर देना उचित नहीं है, क्योंकि यहां पर घनी आबादी है और लोगों के संक्रमण का खतरा रहेगा। ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया है। नवगछिया व्यावसायिक संघ ने जरूरतमंदों को करवाया भोजन। नवगछिया व्यावसायिक संघ द्वारा शनिवार को माल गोदाम और नया टोला में रह रहे जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। भोजन लेने पहुंचने वालों लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाए और फिर उन्हें कोरोना वायरस से होने वाले बचाव के बारे में भी बताया। करीब 500 लोगों को भोजन करवाया गया। समाज सेवी विशाल गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन में गरीबों की स्थिति विकट हो गई है, ऐसे में प्रत्येक सक्षम लोगों जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर मुकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, सुमित कुमार, अमित कुमार, रामजी, अंगद आदि अन्य की भी मौजूदगी देखी गई। श्याम भक्त मंडल ने करवाया निसहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण। नवगछिया की सामाजिक संस्था श्याम भक्त मंडल के तत्वाधान में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए निसहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री और साबुन का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने जीरो माइल, श्रीपुर पकड़ा और रंगरा चौक पर जाकर जरूरतमंद लोगों के बीच सामग्रियों का वितरण किया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि आए दिन भी लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। इस अवसर पर प्रमोद सिरानिया, मनोज चौधरी, नंदलाल तिवारी, संतोष यादव का, मनोज अग्रवाल, अरुण यादव का, शिव दोकानिया, शंभु रुंगटा, सोनू चौधरी, नवगछिया नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव की भी मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के अखबार विक्रेताओं के बीच भी हुआ खाद्य सामग्री का वितरण। अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन और प्रभात खबर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया राहत सामग्री का वितरण। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया वितरण। नवगछिया में प्रभात खबर और अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में नवगछिया स्टेशन रोड स्थित प्रभात खबर कार्यालय के समीप राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत सामग्री में अखबार विक्रेताओं को चावल, दाल, आलू, साबुन आदि का वितरण किया गया। सामग्रियों का वितरण करने में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सभी वितरण करने वाले लोगों ने मास्क और ग्लव्स पहनकर सामग्री का वितरण किया। अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कर्मियों ने वितरण से पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की, फिर वितरण शुरू किया। राहत सामग्री प्राप्त करते हुए नवगछिया के हॉकर काफी खुश थे। 25 अखबार विक्रेताओं के बीच सामग्रियों का वितरण किया गया। अखबार विक्रेताओं ने प्रभात खबर और अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जितेंद्र पांडे, राजीव कुमार, राजेश कुमार, संजीव कुमार मिश्र, संजय कुमार झा, अंशु अमन, अशोक कुमार, अनंत सिंह के अलावा प्रभात खबर के विक्रय प्रतिनिधि संतोष कुमार आदि अन्य मौजूद थे। लॉकडाउन में अखबार विक्रेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के निदेशक सह अर्जुन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव राजीव रंजन ने बताया कि लॉकडाउन में घर पर रहकर घर घर बांटने वाले हॉकर बंधुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन का रहता है भरपूर सहयोग, छोटेलाल। अखबार विक्रेता संघ नवगछिया के अध्यक्ष छोटेलाल ने कहा कि लॉकडाउन में उन लोगों को पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद।